एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर के आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये अब 2021 जनवरी की है और रात के वक्त एक लड़का सोशल मीडिया में लाइव होता है और उसका मकसद था अपने आप को मार देना। उसको कोई भी नहीं देख रहा था, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके घर के लोग, लेकिन उसको आयरलैंड यानी कि 8,500 किलोमीटर दूर इंडिया से उसको मॉनिटर किया जा रहा। इसके बाद क्या होता है कि रात को ठीक 9:10 में साइबर सेल की DCP रश्मि क्रांति करके पास एक फ़ोन आता है। उसमें ये बोला जाता है एक लड़का लाइव है और वो सुसाइड करने वाला है, उसके हाथ में ब्लेड है, उसको बचा लो। और ये जो कॉल था वो फेसबुक के हेड ऑफिस आयरलैंड से आया था, जो कि इंडिया से 8,500 किलोमीटर दूर था। DCP रश्मि लड़के का नाम पूछती है, उसका एड्रेस पूछती है फेसबुक हेड ऑफिस से, तो उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ लड़के का नाम वो बोलते हैं शायद दानेश्वर पाटिल है और वो महाराष्ट्र के धुले से लाइव है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा है, रश्मि जल्दी से वो अपने सीनियर से बात करती है और इसके साथ ही सब लोग काम पे लग जाते हैं। और इसके अलावा वो धूले में जो उनके लोकल पुलिस है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और किसी के पास कोई एड्रेस नहीं है। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं वो लोग एड्रेस निकालने के लिए, लास्ट में साइबर सेल से एड्रेस का पता चल जाता है और वो एक सोसाइटी थी धूले में वहाँ का होता है। वो लोकल पुलिस जो धूले में थी उनको एड्रेस दे जाता है और वहाँ पे जैसी एड्रेस मिलता है वैसी वो एक टीम बनाते हैं और साथ में एम्बुलेंस को भी वो तैयार कर लेते हैं और उसके बाद वो निकल पड़ते हैं सोसाइटी में पहुँचने के लिए जहाँ पे लड़का रहता था। लेकिन यही सब कुछ चीज़ बड़े आराम से होता है। उनको डर था कि अगर लड़के को उन लोगों की आवाज़ आ जाएगी तो हो सकता है कि वो जल्दबाजी कर ले। और जैसे ही लोकल पुलिस लड़के के घर में पहुंचती है और पहुंच करके दरवाजे में आराम से वो बिना किसी आवाज़ के वो अंदर घुसती है तो वो देखती है कि जो लड़का था अभी भी ज़िंदा था और वो अभी भी लाइव था और उसके हाथ में जो ब्लेड था उसकी वजह से उसने अपने हाथों को की नसों को काट लिया था और उसकी गर्दन में भी कट था जिसमें से ब्लड निकल रहा था, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। और साथ में ही वो लड़का बार बार ये बोल रहा था कि अब मैं मरने वाला हूँ। किसी तरीके से लोकल पुलिस उस लड़के को कंट्रोल कर लेती है और उसको लोकल हॉस्पिटल में लेकर के जाती है, वहाँ पे उसको एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन जो कट था वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था क्योंकि जब लड़का कट कर रहा था तो उसको पेन तो हो रहा था जिसकी वजह से उसने डीप कट नहीं किया था। लड़के को संडे को पूरी रात को उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उस वक्त उसकी हालत थोड़ी ख़राब थी लेकिन मंडे तक वो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसके बाद जब पुलिस एक्शन लेना चाहती है उस लड़के के अगेंस्ट, तब पता चलता है कि जो लड़के का जो पिता हैं वो होम गार्ड है मुंबई में और साथ में लड़के की उम्र 23 ईयर्स है और उस लड़के ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। बाद में लोकल पुलिस को पता चलता है कि ये जो लड़का था वो हर समय बहुत ही स्ट्रेस में रहता था, उसको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं था, उसको लगता था कि उसके पास ना तो नौकरी थी और ना ही पैसा था जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल हालत थी बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। उसने कई बार कोशिश की थी लेकिन हर बार बच गया था, लेकिन इस बार फेसबुक हेड ऑफिस के लोगों ने उसको बचाया था। फिर बाद में लोग लड़के की जॉब के लिए काफ़ी ट्राई करते हैं, फिर बाद में उसको जॉब मिल जाती है तो अभी सब कुछ मामला ठंडा हो चुका है। तो देखा आपने कि सोशल मीडिया कितना स्ट्रांग होता है। वो आपको लगता है कि आप लोग कुछ भी डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो फेसबुक हेड ऑफिस के लोग हैं उनके पास अपनी टीम होती है और टीम के अंदर वो एक लैंग्वेज इंग्लिश ही नहीं, वो हर जगह से लोगों को हायर करते हैं वहाँ, क्योंकि हर रोज़ 2.5 मिलियन लोग लॉगिन होते हैं सोशल मीडिया में और 1 मिलियन लोग लाइव भी होते हैं। अब मैं जाने से पहले ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों के आसपास इस तरीके के लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, वो गलत राह में चल पड़ते हैं,
तो उनके ऊपर कभी भी गुस्सा ना करें, उनको प्यार से समझाएं, कभी भी उनको प्रवोक ना करें और समझाएं कि लाइफ के बारे में, उनके जब वो सुसाइड कर लेंगे तो उनके पीछे जो उनकी फैमिली रोने के लिए रह जाएगी उनके बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ उनको बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा। तो अब मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्ते।